नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। उमा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है दशहरा, मेरे और मेरे पूरी परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दशहरा। साहिर, दोस्तों को हैप्पी दशहरा बोलो। हैप्पी दशहरा। और मम्मी को भी हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। तो दोस्तों, साहिल ने मैगी बना लिया और खा लिया, और मैंने भी खाना बना लिया। खाने में क्या बनाया आज सुबह के, मैंने बनाया है फूल गोभी और आलू मटर की सब्जी। आटा गूंज के रख दिया है, रोटी बाद में बनाऊंगी। साहिल की मैगी बना रही थी तो कह रहा था आप ना बनाओ, मैं बनाऊंगा। आप आलू और मटर और टमाटर डाल के बनाती हैं, मुझे नहीं अच्छी लगती है वो वाली, मैं अपने आप से बनाऊंगा। तो अपना बनाया है, खुद ही खा चुका है। तो दोस्तों, आज सुबह से बिट्टू के पापा कर रहे हैं पुट्टी, तो अब जा रही हूँ बिट्टू के पापा की पुट्टी करने में मदद करूँगी, तो जल्दी हो जाएगा। फिर झाड़ू पोछा करूँगी, नहाऊँगी, फिर रोटी सेकूँगी। दोस्तों, 2 साल पहले पुट्टी करके पूरे घर में पुताई किया था, तो अभी तक सही रही हैं दीवारें। अब पूरी पुट्टी निकल रही, ढपड़े बन बन के, और पुताई भी छूट रही है, सीमेंट झड़ रही है, तो ईंटें दिख रहे हैं दीवारों के, बड़े बड़े गड्ढे हैं, ईंटें दिख रहे हैं, तो बड़ी ख़राब लग रही हैं दीवारें। जहाँ जहाँ दीवारें ज़्यादा ख़राब लग रही हैं, वहाँ वहाँ पर बिट्टू के पापा POP लगा के और ऊपर से पुट्टी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सही लगने लगेंगी दीवारें देखने में। और देखते हैं, तो अगर ज़्यादा वो होगा तो पुताई भी कर देंगे, तो और अच्छा लगने लगेगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा देखने में। कितना भी झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, दीवारों से मोरम झड़ती रहती है ना, तो किसिर किसिर बना ही रहता है। दिन भर झाड़ू लगाओ तो दिन भर मोरम निकलती है दीवारों के नीचे नीचे से, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा देखने में। साहिर, इतनी मैगी बचा दी है, पूरी नहीं खाई है? मेरी बनाई हुई साहिल को पसंद नहीं आती है मैगी, तो अपनी पसंद की बनाता है, पानी रखता है, हल्दी डालता है, खौलाता है पानी को, और मैगी डाल लेता, बन गई साहिल की मैगी। साहिल की बनाई मैगी ना मुझे अच्छी लगती है, ना बिट्टू को अच्छी लगती है, यही खाता है। तो दोस्तों, साहिल ने मैगी खा लिया है, और साहिल भी अब थोड़ी बहुत मदद करेगा, और मैं भी करूँगी, जल्दी से पुट्टी हो जाएगी, काम भी मुझे करना है अभी। क्या कर रहा है साहिल? चलो चलो चले, तुम POP पुट्टी घोरते जाना, मैं और पापा कर लेंगे जल्दी जल्दी दीवारों में। तुमको क्या हो गया, सो चुके क्या? अरे बाप, इतनी तेज कौन चिटकता है? क्या हो गया, भूख लगी है क्या? तुम्हारे काम है का खा के सो जाना, खा के सो जाना। तो दोस्तों, चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ कहाँ भी टू पापा पुट्टी कर रहे हैं, मैं भी देखूँगी। मैं भी नहीं अभी देखी हूँ कहाँ कर रहे थे। ये देखिए दोस्तों, नीचे नीचे दीवार खराब हो गई है नोना की वजह से, पुट्टी सारी झड़ गई थी, पुताई भी झड़ गई थी, बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे दीवार। बिट्टू के पापा POP लगा रहे हैं, POP लगाने के बाद फिर इसी के ऊपर से पुट्टी कर देंगे, तो दीवार सही हो जाएगी। जल्दी करने दो, डब्बा अंदर से ले आ, जल्दी से ला के पानी डालो इसमें, नहीं तो सूख जाती है। ये यहाँ रखा है डिब्बा, यहीं पे रखा था, डिब्बा नहीं मिल रहा था सर लोग। जल्दी जल्दी से करो, नहीं तो जम जाएगी। याद है सर, पुताई के समय पापा ने कटोरा में POP खुलाई थी, तो सारी जम गई थी ना। इसके ऊपर से पुट्टी भी करेंगे ना, पुट्टी कर देंगे तो बढ़िया सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगी। बहुत ख़राब लग रही थी दीवार, ये देखिए दोस्तों, दीवार दिख रही है, ईंटे दिख रहे हैं, सब छा रही है। तुम ना करो, लग जाएगा, जहाँ का दिख रहा है ना दीवार को, वहाँ पर लगाएगी। पापा से पूछ के डालो, अरे डालो POP लाए ना अभी।
और डालो, और डालो पापा डालो हिसाब से। ये मम्मी ने डाला, डाल रही थी ना उसमें हमारी कढ़ाई में, तो गिर गया। बहुत खराब होना लगता है, सारी छपाई झड़ जाती है, पुट्टी झड़ जाती है, पुताई छुटाएंगे, सूख जाएगी तब छूटेगी। दोस्तों पापा ने यहाँ पे पुट्टी कर दी है और यहाँ किनारे भी कर दी है, यहाँ पे भी कर दी है। सही लगी, नहीं लगी? कितने बड़े करते ना? अब पापा भी यहाँ पे करेंगे ना मम्मी? देखो कितना बड़ा गड्ढा है, ऐसा लग रहा है जैसे छुआ की है। मम्मी जब पिछली बार हम लोग पुताई, मम्मी जब पिछली बार हम लोग पुताई कर रहे थे तो यहाँ बक्से के नीचे दो चूहे के बिल थे ना, वो चूहे के वो नहीं थे बिल, वो पुट्टी है, वो छपाई पूरी झड़ गई। नहीं जमीन में थे। हाँ पुट्टी कर देंगे तो कम से कम दो साल तक। अरे इसी के ऊपर मैं वो कलर वाली वाटर कलर नहीं मैं करता हूँ कॉपियों में, वो कर दूंगा। तो मां ही तो अलग से लिखती है कॉपियों वाला कलर करेगा दोस्तों। मम्मी पुट्टी छुटा रही है जहाँ जहाँ की उछड़ी है, और पापा सीमेंट बना रहा है, वो पीओपी घोल रहे हैं। ढपड़ा निकल रहा है, ये क्यों सामान में ताकत के नीचे रख दे। झाड़ू लगाना पड़ेगा ना, चल यहाँ रख दो बिस्तर में। दोस्तों अब अच्छे से पापा छुटा रहे हैं जहाँ जहाँ की पुट्टी छूट गई है। तो कितना सारा झड़ा है करने के लिए। इसको करवा दो इधर को, इधर इसको आगे कपड़ा लाना। हाँ ये साफ करना। दोस्तों पुट्टी हमने झड़िया दी दीवार की, इतनी सारी निकली हुई, और यहाँ पर साहिल और साहिल के पापा पुट्टी घोल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर बच्चे के पापा पुट्टी करना शुरू कर दिए हैं, मैं भी जा रही हूँ करवा लूँ तो जल्दी से हो जाएगा। वो वाली कहाँ है साहिल पत्ती? हिलाते रहो नहीं जम जाएगी। अरे लाओ मैं करवाती हूँ जल्दी हो जाएगा।
पानी पानी ले आऊं कंपनी की बात करते हैं ये दोस्तों पूरे कमरे में पीओपी और पुट्टी मिक्स करके पापा ने और मम्मी ने कर दिया है। अच्छा कमरा लग रहा है। चलो अब आंगन में थोड़ी सी खराब है दीवार तो वहां भी कर दे। अच्छा दोस्तों छत की थोड़ी सी पुट्टी निकल गई थी तो वही पापा लगा रहे हैं। मम्मी नीचे से डलिया पकड़े। मम्मी देखना चिड़िया की जैसी आपकी सर में पोटी ना कर दे गिर जाए पुट्टी सर में। ये वाली भी निकाल दीजिए। अल्लाह अब तीन जगह छेद हो गया। यहाँ की भी निकाल रहे हैं ना पूरी उछड़ी उछड़ी लग रही थी ना तो हटा के लगा रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने पुट्टी कर दिया। जहाँ जहाँ ज़्यादा दीवारें खराब हुई थी ये आखिरी रह गई ये इतनी दीवार। यहाँ पर गिट्टू के पापा करे दे रहे हैं। आप लोग भी घर में पुट्टी करो हैं। बड़े बड़े के गड्ढे हैं देखिए कितना बड़ा गड्ढा है। पी ओ पी मिलाने से पुट्टी में जल्दी छूटती नहीं है ना है? अरे पकड़ती जल्दी है छूटती तो कुछ नहीं तो इसीलिए बिट्टू के पापा पूरे पुट्टी में पी ओ पी मिला के किए हैं पकड़ बनी रहे। पकड़ जल्दी लेती ना है? पकड़ जल्दी लेती है सूखती जल्दी। दोस्तों हम लोगों ने पुट्टी कर दिया पूरे घर में। जहाँ जहाँ नोना की वजह से दीवारें खराबी थी नीचे नीचे ऊपर नहीं थी खराबी नीचे नीचे सब पूरे घर में दीवारें खराबी थी सब जगह पुट्टी कर दिया है। ये देखिए ये तो यहाँ से खराब थी पूरी दीवार सब जगह पुट्टी कर दिया है। अब बची है पुताई तो किसी दिन पुताई कर देंगे नीचे नीचे दीवारों में पूरे में नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ पुट्टी किया नीचे नीचे दीवारों में सब जगह पुताई कर देंगे थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। मम्मी वहाँ के लिए मैं डपान बनवा के लेके आया हूँ। अरे देखो साहिल और साहिल के पापा गए थे होटल दूध लेने तो वहीं से लेके आए पान। ये देखिए दोस्तों दशहरा का मेरा मीठा पान खाओ खाओ। मीठा नहीं है ना? मैंने अपने दूसरा खाया मैंने। और पापा ने? पापा ने भी। दोस्तों आप लोगों को फिर से शाम की बोल रही हूँ हैप्पी दशहरा। आप लोग मीठा पान खाइए खा रहे हैं इतने प्यार से साहिल और साहिल के पापा मीठा पान बनवा के लाए तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। अच्छा लगे तुमने पैर नहीं छुए हैं और मैंने पापा के नहीं छुए हैं पैर। हैप्पी दशहरा। आप बोलिए ना सबको सबको बोलिए ना हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा दोस्तों आप काली मैया बन गए। हैप्पी दशहरा काली मैया बन गए काली मैया। एंड कर रहे हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय।